क्या हमें वो एग्जैक्ट स्कर्ट मिलेगी या नहीं? किसी की शादी हो रही है क्या? मुझे बुला लो प्लीज, मैं ये पहन के आऊंगी। पैसा भी तो होना चाहिए उसके लिए। 150 दे दूं? कर लो ना 400। चलो 450 दे। बड़ी आसानी से कर दिया अंकल ने। लगाओ ना, सही लगाओ। आप बता दो। थोड़े से ऐसे बाजू ना थोड़े से ढीले हो, गुब्बारे जैसे। यार मुझे ना दिल्ली में रोड क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत। कोई इसकी बॉलीवुड में एंट्री करवाओ यार। ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी। ओ प्रभु देवा, ये क्या चल रहा है? थोड़ा सा नाच लेना मेरे साथ। काम खत्म हुआ नहीं और इसकी पार्टी पहले से ही चालू हो गई है। कोई इस मोहतरमा को बता दो कि इस नाच गाने को सक्सेसफुल इंटीग्रेशन कहते हैं। किस बात की इंटीग्रेशन? आज की सेलिब्रिटी की, जिसका लुक हम रिक्रिएट कर रहे हैं। यार इसको एंकर किसने बना दिया? इसको छोड़ो गाइस, यू चेक दिस आउट। गाइस आज का लुक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अनन्या पांडे इज वेयरिंग अ पिंक रफल स्कर्ट विद अ क्रीम कलर फुल स्लीव टॉप एंड लाइट पिंक पेंसिल हील्स। कुछ तो खास बात है इस लुक में, जो ये सिंपल होते हुए भी इतना डायनेमिक है। द हील्स आर एडिंग एलिगेंस टू द लुक एंड दिस इज अ परफेक्ट लुक फॉर योर ब्रंच डेट्स विद योर लव्ड वंस। एंड आप पिकनिक में भी इस लुक को इजीली कैरी कर सकते हैं। गाइस आज का टारगेट मार्केट है कमला नगर मार्केट एंड इफ यू आर अ शॉपहोलिक एंड अ स्टूडेंट एट डीयू देन दिस इज योर गो टू शॉपिंग प्लेस। लेट्स लुक फॉर स्कर्ट। फर्स्ट पिंक में चाहिए? ब्लैक होगी। पिंक में नहीं है, पेंसिल टाइप स्कर्ट नहीं है पिंक में। पिंक में है ही नहीं। या मेरे को तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या हमें वो एग्जैक्ट स्कर्ट मिलेगी या नहीं। कुछ ऐसे में मुझे पिंक कलर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। नोप्स। आपके पास क्रीम कलर का कोई स्वेटर होगा फुल स्लीव वाला? ऐसे में दिखाना, बट थोड़े से ऐसे बाजू ना थोड़े से ढीले हो, गुब्बारे जैसे। आई थिंक इट्स वाइट। अब बात कर लेते हैं फैशन की। तो ये जो लुक है वो काफी फ्लफी और रफल साइड में आ जाती है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मेक अ पोनीटेल। इससे आपके हेयर और आपके आउटफिट में कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट। मुझे ज्यादा वाइट लग रहा है और ये थोड़ा सा क्रीम है, तो इसी को डन करते हैं यार, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बाद में कहीं पता चले कलर ही बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा है। तो लेट्स गो फॉर दिस। भैया कर दो पैक। सो प्रिटी। किसी की शादी हो रही है क्या? मुझे बुला लो प्लीज, मैं ये पहन के आऊंगी प्लीज। पेंसिल हील्स मिल जाएंगी? स्ट्रैप हील्स होती है ना ये वाली? नहीं सही, ये तो आगे आप पिंस वगैरह में उस पर ट्राई करिए। यार हमें किन्स से नहीं चाहिए ना, अगर किन्स से चाहिए होती तो हम स्ट्रीट शॉपिंग क्यों करने आते? पैसा भी तो होना चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली द सेम स्वेटर मिल गया। कितने का ये? 200। डिस्काउंट नहीं है क्या? थोड़ा सा भी नहीं दोगे? बोनी है? 150 दे दूँ? आपकी भी बोनी हो जाएगी। बोनी हमारी भी हो सकती है अगर हमने पहली चीज ले ली तो। सिंपल पेंसिल पिंक हील चाहिए। नहीं, हील्स होंगी आपके पास? पेंसिल पेंसिल भी नहीं है? नहीं ब्लॉक नहीं चाहिए, पेंसिल चाहिए। थैंक यू गाइस। कमला नगर में ना तगड़ी बार्गेनिंग चलती है और अगर आपको हमारी तरह बजट शॉपिंग करने का शौक है ना तो फटाफट ऊबर पकड़ो और यहाँ पे आ जाओ। आई नोटिस वन थिंग, दिस मार्केट इज वेरी गुड फॉर इंडियन वेयर, वेरी गुड। देखो ये कलर है ना जैसे ऐसे में ये मिल जाएगा। अरे एंड इट्स द एंड ऑफ द मार्केट और हमें अभी तक स्कर्ट नहीं मिला। टाइम टू पैनिक। प्राइस किस क्या है इसका? बड़ा चढ़ा के देखो पीछे में 400 पूछ के आ रही हूँ। पेंसिल स्कर्ट टाइप्स चाहिए थी, जैसे ये वाला दिखाना ऐसा। तो कलर इज सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये। कर लो ना 400 दे दो बस। हम मान लो मेरे की तो आपकी ना मेरी 450 भी नहीं 400 ही दूंगी मैं प्लीज। चलो ठीक है, थैंक यू। सो ये स्कर्ट मैं खरीद रही हूँ एंड ये 30% ऑफ में ना भैया? तो कितने का पड़ा है मुझे? 949 का है। 664 का पड़ा है। 664 का पड़ा है तो डिस्काउंट कर लिया मैंने, सब कुछ करने वाले 664 का पड़ रहा है एंड इट्स वर्थ इट क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा DIY करने वाली हूँ, तो वो आपको सरप्राइज है, वो आप देख लेना फाइनल लुक में कि ये स्कर्ट कैसे एग्जैक्टली उस स्कर्ट की तरह लगेगी।
So let's buy this. Since springtime is coming, I have a lot of outfit ideas for you guys. You can take floral dresses, sleeveless tops, cardigans. बहुत सारे options होते हैं यार. अब सीजन की हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरा फेवरेट सीजन है स्प्रिंग. और आप नीचे कमेंट्स में जल्दी बताओ कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है. भैया स्कर्ट्स कहाँ मिलेंगे? अंदर नहीं होगा. स्कर्ट्स मिलेंगे आपके पास? नहीं है. हाय. नहीं, ऐसे नहीं तो नहीं चाहिए. डेली शूज सैंडल इन प्लस मिलेंगे. ठीक है गाइस, तो लास्ट अब मेरा डिसीजन यही है. इतनी सारी मार्केट घूमने के बाद अब मैं सोच रही हूँ यही वाली स्कर्ट ले लूँ और इसको मैं ऐसे 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 खुद कट करके ट्राई करूँगी कि सेम एग्जैक्ट वही स्कर्ट बनाने का. भैया कितने की है? 250. 200 की लगा लो. चलो, बड़ी आसानी से कर दिया अंकल ने, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. तो मैं ये हील्स ले रही हूँ because the skirt is pink and it has a glossy finish which is giving it a very stylish look. तो ये बहुत अच्छा लगेगा. एंड ये ब्लॉक है, हील से पर ब्लॉक है, सो ये बहुत कंफर्टेबल है. सो दिस इज परफेक्ट फॉर मी. प्राइस सही लगाओ. नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे लगाओ ना, सही लगाओ. आप बता दो. 350 नहीं चलेगा, ये देखो मेरे पास पड़ा हुआ है. 350 अप्लाई करो. ये लीजिए लक्ष्मी. आई नो वैलेंटाइंस डे निकल चुका होगा जब तक आप हमारी ये वाली वीडियो देखोगे, बट अनन्या पांडे की जो न्यू मूवी आ रही है गहराइयाँ, दैट एक्चुअली मेक्स मी फील दैट लव इज़ इन द एयर. क्या केमिस्ट्री है यार उन एक्टर्स की. कमला नगर इज़ अ हब फॉर फीमेल शॉपर्स. यहाँ पे आपको जुत्ती से लेके वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर सब कुछ मिल जाएगा एट अ वेरी रीजनेबल रेट. और यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है. एंड खाने की बात करते हैं, मुझे भूख लगे. एंड एनीवेज मैंने सारी चीज़ें खरीद ली है, तो चलो जल्दी से मोमोज खाते हैं. हाँ दे दो दे दो, खा लेंगे. कहाँ घूम रही हो मैडम? आपके ख्यालों में विनर के टाइटल के साथ कोई इसकी बॉलीवुड में एंट्री करवाओ यार. अच्छा एंट्री छोड़ो, मैंने ना स्टूडियो में मेकअप स्टार्ट करवा दिया क्योंकि हम दोनों लेट हो रहे थे. तो जल्दी से चलते हैं, मोमोज खा ले. मैंने खा रही, चल फिर स्टूडियो ही चलते हैं यार. So this is our pretty guest. कैसे हो आप? I'm good. How are you? I'm good too. लेकिन आज ना रूपाली को नहीं जीतने देना है. And I know you will slay it. Oh भाई साहब, इतना aggression, makeup तो चल ही रहा है, outfit भी बता दो. Look तो आपको पता चलेगा जब आप उसे try करोगे. And I bet आपको कोई disappointment नहीं होगी. I hope कुछ अच्छा ही होगा. मैं बहुत सारी pictures भी ले लूँगी. वैसे भी Instagram बहुत सूखा पड़ा है. अरे खींच लेना, पक्का खींच लेना. Fingers crossed कि आज हम ही जीतेंगे. तो ready हो जाए? Yes. Yes. I am not the victim of this love affair. जीत के कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी रूपाली. खामोशी कैसी है ये? हार कैसा लगता है क्या? खेलेंगे जी जान से और हारेंगे पूरी शान से. वाह. चल कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लियो. नेक्स्ट टाइम नहीं, अगली बार मैं ही जीतूंगी. और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो. और घंटी वहीं पे क्लिक कर देना यार. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लिट फॉर ऑल थिंग्स लिट.